वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का 8 और मैंने नहा धो के पूजा पाठ भी मारी हो गई है और शिवी अपने पापा के साथ बैठी है अंदर, उसके पापा योगा कर रहे हैं। तो मैंने पूजा कर ली है, अभी मम्मी लोग कहीं गए हैं, मम्मी और पापा जी। तो जब वो आएंगे तो उसके बाद हम चाय पियेंगे, चाय बनाएंगे। उससे पहले मैं नारियल पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नारियल पानी पीना बहुत अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए। तो नारियल पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह और शिवी को भी पिला देती हूँ। कैसे लग रहा है शिवी? शिवी शिवी, तो पहले सारा नारियल पानी ना मैं एक बर्तन में खाली कर लेती हूँ, क्योंकि शिवी तो पी नहीं पाती है नारियल पानी से, मतलब स्ट्रॉ की हेल्प से। तो पहले मैं एक सारा नारियल पानी एक बर्तन में खाली कर लूंगी, उसके बाद शिवी को उसकी बॉटल में भर के दे दूंगी, शिवी उससे पी लेगी और मैं ग्लास से पी लूंगी ना। हेलो बोल दो। हाय 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 हाय। चलो ठीक है, अब हम नारियल पानी पीते हैं ना। तो फाइनली गाइस मम्मी लोग भी जहाँ गए थे वहां से आ गए हैं और अब मैं बना रही हूँ चाय और नाश्ते का टाइम भी हो गया, 9 बज गया। तो नाश्ते में बनाती हूँ, नाश्ते में बना रही हूँ रोटी सब्जी और चाय रखी है मैंने। तो फाइनली गाइस हमारा नाश्ता भी हो गया है। नाश्ता करने के बाद मम्मी धो रही है कपड़े और मैंने किचन साफ किया है। तो अभी मैं आ गई हूँ ये डाइनिंग वाले कमरे में जहाँ डाइनिंग का टेबल लगा है। ये डाइनिंग टेबल को हम रोज साफ करते हैं और ये रोज ऐसा हो जाता है, देखिए पूरा इतना बिखर जाता है, रोज इसको साफ करो। और कल मैं वहाँ गई थी ना स्पार, तो मैं वहाँ से ये लेके आई बॉक्सेस। अब मैं सोच रही हूँ कि जो सामान इतना हमारा फैल जाता है ना डाइनिंग टेबल, इसको मैं इन डब्बों में अरेंज कर दूंगी। तो चलिए पहले डाइनिंग टेबल को क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उसके बाद शिवी को नहलाना भी है, शिवी को नहला देंगे। तो फाइनली गाइस शिवी ने नहाई नहाई भी कर ली है ना, शिवी नहाई नहाई कर लिया ना आपने, ये देखो। क्या करा आपने, नहाई नहाई करी, नहाई नहाई करी आपने, नहाई नहाई कल के शिवी बैठी है ले बैठी है। तो फाइनली गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बज गया है दिन का 11। तो मैंने सोचा कि लंच का टाइम तो हो ही गया है तो लंच बना लेती हूँ और फिर खाने तक एक बज जाता है, एक डेढ़ बज जाता है, तो एक डेढ़ बजे हम कर ही लेते हैं ना लंच। और अभी मम्मी और पापा जी कहीं बाहर गए हैं मार्केट और पहले मैंने शिवी को सुलाया, महलान लोग के उसको पहले शिवी को सुला दिया था, उसके बाद थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट कर लिया ऐसी। फिर मैंने सोचा कि चलो लंच बना लेती हूँ और यहाँ पर मैंने लंच में आज मैं बना रही हूँ ना जो मैंने परसों भिंडी की सब्जी नहीं बनाई थी बेसन डाल के, वही वाली भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन मम्मी और मैंने हम दो लोगों ने खाई थी। तो मैं सोच रही थी कि आज पापा जी को और शिवी के पापा को भी टेस्ट कराती हूँ कैसी बनती है, वो बताएंगे मुझे। और मैं बना रही हूँ कढ़ी, गर्मियों में कढ़ी चावल बहुत टेस्टी लगता है ना, मतलब कुछ खट्टा खट्टा सा खाने का मन करता है, तो कढ़ी चावल बना रही हूँ। एक में कढ़ी चढ़ाई है, एक में भिंडी की सब्जी चढ़ाई है। तो अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ और चावल तो बाद में चढ़ाऊंगी। तो चलिए गाइस आटा गूंथते हैं। तो गाइस जो मैं ये भिंडी की सब्जी बनाती हूँ ना, इसमें जो प्याज होता है वो पहले नहीं पड़ता है, प्याज सबसे लास्ट में पड़ता है स्लाइसेस में कटा हुआ, उसको हल्का सा मतलब उसको हल्का सौते करना पड़ता है, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना पड़ता है प्याज को। तो अभी मैं प्याज लेने आई हूँ ऊपर, जो प्याज आलू होता है ना हम मतलब एक बार में ज़्यादा ले लेते हैं और फिर इसको ऊपर स्टोर में रख देते हैं। और मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ ना, इतनी गर्मी हो रही है ना इधर, इतनी गर्मी हो रही है क्या बताऊँ बाप रे, मतलब दिल्ली में अचानक से 2-3 दिन से ना इतनी गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, ऐसे बैठने का हो ही ना मतलब बिना एसी का, और किचन में तो बाप रे इतनी गर्मी हो रही क्या बताऊँ। और मैंने सुबह नहाया था, नहाने के बाद मैंने बाल ऐसे बांधे थे, अभी तक ऐसे बनाए भी नहीं है मैंने। तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना लेती हूँ जब तक शिवी सोई है, फिर उसके बाद अपने बालों को भी बना लूँगी। यार कैसे होगी ये। शिवी के नए नए कपड़े शिवी के लिए लेके आए हैं अभी शिवी के दादू और दादी। दिखाओ शिवी अपने कपड़े, दिखाओ अपनी फ्रॉक दिखाओ,
ये देखो शिवी की फ्रॉक। शिवी आ जाओ। शिवी आज फ्रॉक पहन के बिल्कुल खुश हो रखी है। तो फाइनली गाइज हमारा लंच भी हो गया है और अभी टाइम हो गया है, 3 बज गया है। तो मैं शिवी को लेके आ गई हूँ नीचे क्योंकि शिवी का सोने का टाइम हो गया है। तो शिवी को सुलाते हैं, थोड़ी देर अपना भी रेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको शाम को मिलूंगी जब चाय बनाऊंगी। तो शाम को 5:30 बजे चाय बनाएंगे, तब मैं आपसे मिलूंगी। तो अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं बना रही हूँ चाय। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। तो गाइज हमारी शाम की चाय भी हो गई है, मम्मी मैंने और पापा जी ने चाय पी ली है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। मैं सोच रही थी कि सब्जी बना देती हूँ क्योंकि यार शिवी का वैक्सीनेशन है ना, तो पापा जी और मैं शिवी को लेके जाएंगे क्लिनिक में। तो तब मैं सोच रही थी कि सब्जी बना के चली जाती हूँ और आटा गूंथ के जाऊंगी और रोटी जो है वो आके बनाऊंगी। तो तब मैं अभी सब्जी बनाने के लिए आई थी किचन में। सब्जी में मैं आज बना रही हूँ जो काले वाले चने होते हैं ना, उसकी सब्जी बना रही हूँ आज। और शिवी के पापा का तो ऑफिस चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन नीचे वो काम कर रहे हैं तो इसलिए वो नहीं आएंगे, पापा जी और मैं जाएंगे। तो पहले मैं फटाफट सब्जी बना देती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा डिनर भी हो चुका है और हमने शिवी को टीका भी लगवा लिया था। पापा जी और मैं गए थे, शिवी के पापा कह रहे थे कि मैं जाता हूँ और पापा जी जाएंगे, गए थे तो मैंने कहा आप खड़े रहो मैं जाती हूँ। तो पापा जी और मैं गए थे, हम लगवा के लिए आए टीका, उसके बाद शिवी को भी खिला दिया, हम लोगों ने भी डिनर कर लिया और मैं अपने लिए आइसक्रीम लेके आई थी तो मैंने आइसक्रीम भी खा ली है और अब सोने की तैयारी हुई। गाइस आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करता है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।